8 দিন নিখোঁজ থাকার পর নদিয়ার কাঞ্চনতলা এলাকায় ভাগীরথী নদীতে ভেসে উঠল কলেজ ছাত্রের মৃতদেহ। রবিবার মৃতদেহ চিহ্নিতকরণ করার পরেই ছেলের সাথে আসা বন্ধুদের ষড়যন্ত্রের জেরে মৃত্যুর এই ঘটনা বলেই দাবি করলেন তার মা। খড়গপুরের নিউ টাউন থানার খরিদা বিপন বিধানপল্লীর বাসিন্দা রোহিত শর্মা কলেজ ছাত্র। গত 22শে সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে রাতে বেরোই দুজন বন্ধুর সাথে ঘুরতে যাব বলে। এরপরই 23শে সেপ্টেম্বর তারা নবদ্বীপের মায়াপুরে আসে। সেখানেই ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় রোহিত। রোহিতের মায়ের দাবি, ওই দিন তার সঙ্গে থাকা দুজন বন্ধু জোরপূর্বক তার ছেলেকে জলে নামিয়েছিল, আর তার ছেলের ডুবে যাওয়ার পিছনে রয়েছে তাদেরই হাত। এদিন নাদনঘাট থানায় এসে মৃতদেহ চিহ্নিতকরণের করার পরেই এমনই দাবি করেন তার মা। এদিন রবিবার সকালেই সমুদ্রগড় কাঞ্চনতলা এলাকায় ভাগীরথী নদীর ঘাটে ওই ছাত্রের মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় এলাকার মানুষ। এরপরে স্থানীয় নাদনঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।22 तारीख को मेरा लड़का निकला घर से ट्रेन पकड़ने के लिए 8:30 बजे। ये लोग बोले कि पहले 11 का ट्रेन पकड़ेंगे, फिर ये लोग चेंज उंज कर दिया तो जल्दी निकल गया। तीन दोस्त के साथ? हाँ, दो दोस्त के साथ। इन लोग को मैंने, तीन जने लोग जा रहे थे। मैं पूछी कि हाँ इतना जल्दी क्यों जा रहा, मॉर्निंग का ट्रेन से चले जाओ, इतना रात का होता। नहीं नहीं, हम लोग को मॉर्निंग मॉर्निंग में पहुँचना जरूरी है, इसलिए हम लोग निकल गए। बोले ठीक है जाओ, अच्छा से जाना, ठीक से जाना। हाँ हाँ ठीक है। किसके किसके साथ जा रहे? मेरे को खाली राहुल को मैं पहचानती, है भुनिया का उन्हें नाम भी नहीं सुनी, इसको नहीं पहचानती। राहुल से जब मैं पूछी तो बोला और भी 2-3 जन जा रहा, हम लोग थोड़ा कॉलेज का लड़का लोग जा रहा घूमने। कहाँ जा रहा? ना राधा कृष्ण मंदिर है वो कलकत्ता से, मायापुर, मायापुर का नाम नहीं, राधा कृष्ण मंदिर मेरे को बोला। राधा अष्टमी है वहाँ, बहुत पूजा होता है, वो देख के हम लोग वापस आ जाएंगे रात को। हम बोला अच्छा, रोहित भी जाएगा क्या? तो बोला हाँ। बोला देखो इधर उधर थोड़ा तुम लोग मत जाना, थोड़ा ध्यान से जाना, ठीक से जाना। हाँ हाँ आंटी हम लोग जा रहे हैं, ठीक से जाएंगे बोल के चला गया। उसके बाद मेरा, हमको तो फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। रोहित फिर चला गया ट्रेन में। एक बार मेरे को फ़ोन किया, मेरे को नेट डला दो मम्मी, मैं नेट डाल दिया उसका फ़ोन में, पैक डाल दी। उसके बाद बाबा बोला मम्मी ठीक है फ़ोन रख रहा हूँ मैं, यहाँ तो नेट नहीं चलेगा, ट्रेन में ठीक से जाना। हाँ हाँ बोला। सुबह में मेरे को अचानक ये लड़की, 23 तारीख को मॉर्निंग में 8:30-9 के अंदर में हम लोग घर में, मैं सोची रही थी मैं कॉल करूँगी, फिर उसने सोचा पहुंचा ही नहीं होगा शायद, अभी हड़बड़ी होगा ट्रेन में होगा, हम कॉल करेंगे तो हड़बड़ाएगा, थोड़ा लेट से मैं आराम से कॉल करूंगी, सोची रही थी। तब तक इसका कॉल आ गया कि ऐसा ऐसा घटना घट गया रोहित का साथ में, ऐसा घटना घट गया, रोहित डूब गया, रोहित डूब गया पानी में। कैसे डूबा, क्या डूबा, अब क्या करें, हम लोग जो हालत में था जैसी था वैसी सब निकले। वो दोस्त लोग कहाँ था तब? वहीं पे था दोनों दोस्त लोग, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम बोला वो लोग कुछ किया नहीं, कोई बचाया नहीं। बोलता कि नहीं क्यों उतरा वो पानी में? तो बोलता कि पता नहीं हो गया नहाने के लिए, डूब रहा था बह गया, ऐसी मेरे को उल्टा पुल्टा मेरे को बोला। सही बात मेरे को नहीं बताया, सही नहीं आपको बताया। डाउट क्या हो रहा है? डाउट तो मेरे को पूरा, ऐसा कैसे रोहित कर सकता है? रोहित इतना माने दिमाग वाला, हम लोग जाते हैं वहाँ छठ पूजा करने तो हम लोग को बोलते हैं मम्मी नीचे मत जाना, बच्चा को अपना बहन को पकड़ के रखता, हम लोग को पकड़ के रखता, वो कैसी ऐसी गलती करेगा? जब तक उसका दोस्त लोग उसको नहीं ये करेगा, फोर्स नहीं करेगा आओ पानी में हम लोग चलते हैं बोल के, हम है वो दोस्त जरूर उसका फोर्स करके उसको लेके गया कि हमको तैरना आता है, चल तुमको भी सिखाएंगे, चल तेरे को भी वहां से घुमा के लेके आएंगे, डुबा के लेके आएंगे। तो मेरा लड़का किनारे में बैठ के डूब रहा था, आपको तो लड़की का वीडियो दिखा है ना, उसको टान के ले गया दोनों दोस्त। चल लोगों ने प्लान मैप किया क्या? प्लान भी पूरा है, ये पूरा प्लान करके आए। दो जन ही क्यों आया, और कोई तीसरा चौथा क्यों नहीं आया इस लोग के साथ? ये दो जन ही क्यों आया, हमको तो यही डाउट है। आप क्या चाहते हैं? आप मेरा लड़का को इंसाफ मिले, जो इसका साथ में किया वो लोग को बस सजा हो, जो भी कानून आज, के आज तरफ क्या, से। क्या खबर मिला आप लोगों ने?
तो सुबह खबर मिला, हम लोग तो ऐसे बहुत दिन से खोज रहे, 5-6 दिन से कहीं कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। आज ही सुबह जलाई डांगा से खबर दिया, हम लोग पोस्टर वोस्टर लगाए थे तो फोन में फोन आया मेरा हस्बैंड का, लड़की का फोन में, कि ऐसा ऐसा करके देखा है, आप लोग आके देखिए, पहचानिए कौन है। देखा तो वही है। क्या नाम है आपका? माधुरी शर्मा।